नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका लिटरेचर एंड कल्चर में। देखिए दोस्तों, हमारी प्राचीन परंपरा रही थी कि जब भी हम घर से निकलते थे तो अपने खाने की पोटली और पैसे साथ लेकर निकलते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें हमेशा कहते थे कि जब भी आप घर से बाहर जा रहे हैं तो पैसे साथ लेकर जाइए। और हम अपने पर्स में पैसे रखना कभी भी नहीं भूलते थे, क्योंकि रास्ते में किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है। कोई सामान हमें वहाँ से खरीदना है या हमें कोई चीज़ लेनी है, उस समय उपयोग के लिए चीज़ लेनी है हमें, या फिर हमें ट्रेन का किराया देना है, बस का किराया देना है, किसी होटल में ठहरना है, या हमें कोई भी सामान खरीदना है, तो हमें पैसे की ज़रूरत होती थी। तो हम जब भी बाहर निकलते थे तो बहुत सारे पैसे अपने पर्स में रख लेते थे, और पर्स में ही नहीं बल्कि बैग में भी कई जगह रख लेते थे, और चोर जेब भी बना लेते थे ताकि अगर कहीं पैसे चोरी हो जाएं तो हम उस चोर जेब में से पैसा निकाल कर हम अपने घर तक पहुंच जाएं, अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो खरीद सकें और अपना काम निकाल सकें। तो दोस्तों, ये तो थी हमारी प्राचीन परंपरा जो हमारी चलती आ रही थी अभी तक, और हम उसी परंपरा का पालन कर रहे थे। और ख़ासकर युवा पीढ़ी को छोड़कर मेरे जैसे जो 40 प्लस या 50 प्लस लोग हैं, वो तो आज भी अपने पर्स में पैसे लेकर ही चलते हैं। और हमेशा अपने बच्चों को भी यही सलाह देते हैं कि जब भी आप घर से बाहर निकलो तो पैसे लेकर निकलो। लेकिन अब हमारा भारत इतना स्मार्ट हो चुका है, इतना डिजिटल हो चुका है कि अब हमें पैसे लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। आप भी कहेंगे कि ऐसा कैसे? तो चलिए, जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आप कौन कौन सी जानकारियाँ इसमें चाहते हैं, तो मैं आपके सामने वही जानकारियाँ लेकर आऊँगी। दोस्तों, अभी जब नोटबंदी हुई थी तो हम सब बहुत परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए कि सब्जी खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, दूध लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, दैनिक दिनचर्या की चीज़ें खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हम बैंकों की लंबी लाइन में लगे हुए हैं, कभी हमने अपने बच्चों को लगा रखा है, टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स को लगा रखा है, और हम पैसे बदलवाने के चक्कर में ही लगे हुए थे। और कई लोग तो उसको चक्कर खा के गिर गए, बहुत परेशानियाँ हुई, इतनी परेशानियाँ हुई कि अखबारों में दिन रात पढ़ने को मिलता था कि नोटबंदी में ये परेशानी हुई, ये तकलीफ हुई, बुजुर्गों को परेशानी हुई, बुजुर्ग चक्कर खा के गिर गए और कई बीमार हो गए, शायद एक डेथ का प्रकरण भी जो सामने आया था तो वो भी आया था। तो इसका कारण जो है वो ये नहीं है कि हम पैसे के लिए लाइन में लगे हुए थे, बल्कि ये है कि हमने अपने आप को उसी सांचे में ढाल रखा था कि पैसे बिना हमारा कोई काम ही नहीं होता था। तो हमको जरूरत थी पैसे की, और हम कैसे भी पैसे लेना चाहते थे ताकि हम अपनी जो दैनिक लाइफ है उसको हम चला सकें। और कुछ लोगों ने तो अपनी गुल्लकें तोड़ दी, अपने बच्चों की गुल्लकें भी तोड़ दी और उसमें से भी पैसे निकाल लिए, और कैसे ना कैसे अपनी जो लाइफ को है वो चलाया उन दिनों तक, जब तक कि नोटबंदी का ये सारा काम जो खत्म नहीं हुआ और बैंक से पैसा जो है रेगुलरली मिलना शुरू नहीं हो गया, तब तक उन्होंने अपने कैसे न कैसे अपना जो है काम चलाया। और ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आई। तो ये समस्या क्यों आई? क्योंकि हमारा जो एक तरीका है वो है नगद पैसे के लेन देन का। नगद पैसे के लेन देन के लिए हम लोग कोई भी काम हो, चाहे हमें सब्जी खरीदनी है, चाहे हमें दूध खरीदना है, चाहे हमें घर का राशन लाना है, चाहे हमें कपड़े खरीदने हैं, चाहे हमें शोरूम से कोई सामान लेना है, हम सब कुछ नगद खरीदते थे, और इसीलिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती थी। कहीं हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम बस में अगर कहीं गए हुए हैं तो वहां से हमको वापस आने के लिए भी हमको टिकट लेने के लिए पैसे की जरूरत थी। कुछ लोग बस स्टैंड पर ही अटके रह गए, कुछ लोग रेलवे स्टैंड पर ही अटके रह गए, और उन्होंने कैसे न कैसे लोगों से सहायता लेकर और अपने घर तक वो पहुंचे। तो ये क्यों? इसलिए क्योंकि वो सभी जो लेन देन है वो नगद किया करते थे, और आज भी बहुत सारे लोगों की आदत बनी हुई है नगद लेन देन करने की। तो नगद लेन देन के चक्कर में हम लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एक तो सर्विस क्लास लोग हैं जिन्हें छुट्टियां नहीं मिलती या कम मिलती है, या जो जिनका ऑफिस दूर पड़ता है तो आने जाने में वो समय बर्बाद करना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वो आधे घंटे तक किसी लंबी लाइन में लगे या 10-15 मिनट भी लाइन में लगे और 15-20 मिनट अपने जो रास्ते के हैं वो बर्बाद करें, या आधा घंटा अपने रास्ते का बर्बाद करें। कुल मिलाकर एक काम के लिए लगभग 1 घंटा बर्बाद आपका हो जाता है आसानी से,
और अगर आपका वर्किंग टाइम होता है तो वर्किंग टाइम जिस समय आपका उसी समय से आप ले लीजिए, बैंकों के वर्किंग टाइम होते हैं उसी समय से लोगों के भी वर्किंग टाइम्स होते हैं, और जो आपने जो पॉलिसीज वगैरह ले रखी हैं या आपको कोई बिजली का पानी का बिल भरना है, कुछ भी है, पैसे का जो भी लेन देन है वो दिन के समय होता है। तो जो सर्विस क्लास लोग हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है पेमेंट करने में, नगद लेन देन करने में। इसके अलावा हम जब बाहर निकलते हैं घर से बाहर, तो हमें सोचना पड़ता है कि हम जब बाहर जा रहे हैं तो कितनी दूर जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, वहां कितने पैसों की हमको जरूरत पड़ सकती है, और उतने पैसे हम नगद निकाल कर अपने पास रख लेते हैं। तो दोस्तों चोरी जाने का खतरा भी रहता है, नगद पैसा चोरी होने का खतरा हमेशा बना रहता है, और ढेर सारे पैसे लेकर हम घर से चल नहीं सकते। आपने कई बार सुना होगा कि बैंक में जो किसी व्यक्ति ने अपना पैसा निकाला और तुरंत ही उसका पैसा चोरी चला गया। मेहनत की कमाई बड़ी मुश्किल से आती है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन एक साथ पैसा चोरी चला जाए तो बहुत दुख होता है। और अगर हम सफर में हैं, बाहर हैं, और वहां हमारा पैसा चोरी चला गया, तो समझिए फिर तो हम एकदम से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, कहां जाएं। तो दोस्तों इन सब का एक उपाय है डिजिटल, जो इंडिया आज का हो रहा है, स्मार्ट इंडिया हो रहा है, इसके साथ हम चलें। और आप सभी के हाथ में है मोबाइल यानी स्मार्टफोन, कंप्यूटर हम सभी चलाते हैं, चाहे छोटे बच्चों की बात ले लो, चाहे आप युवाओं की बात ले लो, या आप मेरे जैसे 50 प्लस लोगों की बात ले लो, वो भी अपने साथ स्मार्टफोन तो रखते ही हैं। और स्मार्टफोन से एक तो आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है, और दूसरा आप जो पेमेंट है वो आप अपने फोन के माध्यम से कर सकते हैं, तो आपको ढेर सारे पैसे लेकर चलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, आपकी LICs है, जो पॉलिसीज हैं उनके पैसे हैं, आप अपने मोबाइल फोन से ही भर सकते हैं। और इसके अलावा भी जैसे किसी को भी पैसे का लेन देन आपको करना है, अचानक से किसी ने आपसे पैसे मांग लिए, या अचानक से आपको याद आया कि इस व्यक्ति से मुझे पैसे लेने हैं, और वो आपको बहाने बना देता है कि भाई मेरे पास तो भी पैसे हैं नहीं, तो मैं तो आपको दे नहीं सकता, तो आप स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि अगर आप पैसा नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे खाते में ट्रांसफर कर दीजिए, और उसी समय आप उसको खाता नंबर वगैरह देकर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो देखिए डिजिटल इंडिया से जो ये फोन पर जो पैसे देने वाला जो सिस्टम है, जैसे फोन पे है, आप देखिए पेटीएम है, इसके अलावा आपका जो बैंक खाता है वो आप अपने इस स्मार्टफोन से, इस मोबाइल फोन से लिंक कर सकते हैं, और उस बैंक खाते से आप अपना सारा पेमेंट कर सकते हैं। आप सारे बिल भरना है, बिल भी आप अपने स्मार्टफोन से खुद भर सकते हैं, 5 मिनट का समय भी आपको नहीं लगता है और आपके सारे बिल पेमेंट हो जाते हैं। इसके अलावा किसी को भी पैसे का लेन देन है तो नगद पैसे में कई बार भूलचूक भी हो जाती है, जब हम बहुत सारे पैसे देते हैं तो गिनती में भी हमारी गड़बड़ हो जाती है, 1,000-2,000 रुपए ज्यादा चले जाते हैं, कई बार 1,000-2,000 रुपए हमें कोई कम दे जाता है, कोई फटे हुए नोट दे जाता है, कोई खराब नोट दे जाता है, और हमें ये रहता है कहीं कोई हमको नकली नोट ना दे गया हो। तो इन सब चीजों से, इन सब समस्याओं से छुटकारा हमें मिल जाता है अगर हम फोन टू फोन यानी हमारे खाते से खाते में मनी ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो हमें ना तो पैसे गिनने की जरूरत है, ना ही हमें पैसे चेक करने की जरूरत है कि पैसे सही है या नहीं है, और इसके अलावा हमारा समय भी बर्बाद नहीं होगा और तुरंत ही हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने तो PNB भीम ऐप जो है वो डाउनलोड कर रखा है, क्योंकि मेरा खाता PNB बैंक में है, तो आपके भी जिस बैंक में आपका खाता है आप वही भीम ऐप जो सबसे सुरक्षित है, सबसे अच्छा है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप अपने सारे बिल भर सकते हैं। आपके बिजली पानी के बिल भर दीजिए, आपके घर में जो कुछ भी चीजें हैं जो बिल के माध्यम से आती हैं आप उसको कर सकते हैं। आप दूध वाले को भी उसके बैंक खाते में आप उसका पैसा दे सकते हैं, सब्जी वाले को भी दे सकते हैं, और आपके आने जाने वाले जो दोस्त हैं, या फिर आपके जो किसी के बर्थडे पर आप जाते हैं, किसी की शादी में आप जाते हैं, आप अपना कार्ड स्वैप करवा सकते हैं, या फिर आप उनके खाते में पैसा भेज सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक चीज है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको ढेर सारे पैसे लेकर चलने की जरूरत नहीं है, आपके पास आपका फोन है और आपके पास आपका बैंक का डेबिट कार्ड है, तो ATM है आप लेकर चलते हैं, तो सबसे ज्यादा सुविधा होती है आपको लेन देन में। आप अपने बस का किराया भी उसी से दे सकते हैं, आप अपनी ट्रेन का किराया भी दे सकते हैं, टिकट बुक करवा सकते हैं, आप अपने प्लेन का टिकट भी उससे ले सकते हैं, इसके अलावा आप होटल की बुकिंग भी उससे करवा सकते हैं, आप कहीं पर भी खाना खाते हैं किसी भी होटल में तो वहां पर भी आप अपने
फोन से पे कर सकते हैं पैसा, या कहीं भी। आजकल तो छोटे छोटे ठेले वालों ने भी पेटीएम लगा रखा है और पेटीएम के माध्यम से वो पैसा लेते हैं। चाहे 10 रुपए का आपका पेमेंट हो, लेकिन 10 रुपए का पेमेंट भी आप पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सुविधा हो गई है हम सभी के लिए। हम सभी कैशलेस हो सकते हैं और कैशलेस होने के बाद हमें कितना हल्कापन फील होता है। हमें लगता है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारे पैसे लेकर अपने साथ चले। कहीं भी हमको जाना है तो हम कभी भी अपना एटीएम कार्ड लिया, अपना डेबिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड लिया, और हमने अपना स्मार्टफोन हमेशा हमारे पास रहता ही है। तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनाइए ये फोन से पेमेंट करने का तरीका और हो जाइए कैशलेस। और कैशलेस होने के बाद आपको खुद फील होगा कि आपका कितना समय बच रहा है। सबसे बड़ी चीज है आज के युग में समय की बचत करना, क्योंकि जो लोग तरक्की चाहते हैं, सफलता चाहते हैं और जो काम में लगे हुए हैं, चाहे वो अपने व्यवसाय में हो, चाहे वो अपने नौकरी में हो, या वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी रचनात्मक कार्य में लगे हुए हैं, सृजनात्मक अभिवृत्ति में लगे हुए हैं, तो उन सभी के पास समय की कमी होती है। और दूसरी चीज ये है कि समय की कमी के साथ साथ जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको वाहन की भी जरूरत होती है। अगर आपके पास वाहन नहीं है तो टैक्सियों का किराया बहुत सारा लग जाता है। तो एक्स्ट्रा जो मनी आपकी बर्बाद हो रही है वो एक्स्ट्रा मनी आपकी बर्बाद नहीं होगी। और कई बार ऐसा होता है कि समय निकल जाने के बाद हम पेमेंट करते हैं तो उसमें भी हमारा एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है। तो ये सारी समस्याएं जो है वो हमारी समाप्त हो जाएंगी और 5 मिनट के अंदर हम सभी प्रकार का पेमेंट कर सकते हैं। और हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पैसा ज्यादा चला जाएगा या कम चला जाएगा, या हमें जो है पैसे को संभाल कर रखना है। ऐसा हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बिल्कुल फ्री रहना है, कैशलेस लेना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और हमें हमेशा अपने स्मार्टफोन का अपने बैंक खाते से सुरक्षित उपयोग करना है। और जब भी हम किसी को पेमेंट करें तो एक सुरक्षित तरीके से उपयोग करें। तो आज ही आप अपने बैंक से अपने खाते को लिंक करवाइए और हो जाइए कैशलेस। तो दोस्तों, इसी तरह की और उपयोगी जानकारियों के साथ मैं आपके साथ बनी रहूंगी लिटरेचर एंड कल्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, अन्य किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।